अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहते हैं, जिन्होंने खासकर हमें अभी अभी ज्वाइन किया है इन आवर प्रोग्राम। तो नाज़रीन, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की तरफ आज हम डिस्कशन करेंगे। अवेयरनेस पहुंच सके जितने देखने वाले हैं, दूर दराज हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पर आज भी अवेयरनेस का बहुत फुकदान है। तालीम कम है, ऑब्वियसली जब तालीम कम होती है तो जो शऊर है वो भी लोगों में कम हो जाता है। आज भी जब एक औरत हमल के प्रोसेस से गुजरती है तो हम उसको बेटा होने की दुआ देते हैं, जबकि बींग अ मदर मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए सबसे बेहतरीन और खूबसूरत दुआ यह है कि वो जो भी बच्चा पैदा करे वो मुकम्मल सेहत में हो, उसके आज़ा मुकम्मल हो, वो जिस्मानी तौर पर हेल्दी हो, जहनी तौर पर हेल्दी हो। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। वो बच्चे जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या रीज़न है, जेनेटिक्स हैं, उसके अलावा जो हैं वो क्या है। अच्छा नाज़रीन, जो नंबर है, जो रिसर्च है वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो जो रिसर्च है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में 5 मिलियन अफराद माजूर हैं, 5 मिलियन जी, और इनमें से 43.4% जो हैं वो बच्चे हैं, और इन बच्चों में 58.4% जो बच्चे हैं और 41% जो हैं वो बच्चियां मौजूद हैं। और आप सोचें कि जब ये परसेंटेज इतनी बढ़ जाएगी और ये कम होने की बजाय इसका जो ग्राफ है वो आगे जाता जाएगा, तो हम इन बच्चों का जो फ्यूचर है ऑब्वियसली वो कितना स्टेक पर होगा, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स उस तरह से मौजूद नहीं है, उनकी एजुकेशन के हवाले से स्टेट उस तरह से कंसर्न नहीं है। पेरेंट्स की अवेयरनेस नाज़रीन अब बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें, इतना एजुकेट कर सकें कि वो कम से कम अपने ऐसे स्पेशल चाइल्ड को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकें। इसी हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर नुमान हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को अवेयर करें कि इससे क्या मुराद है। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो, मैं पिछले साल यहाँ पर आया था, सो इट्स बीन अ ईयर। आप सारी टीम को मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। एंड इट्स बीन अ ईयर नाउ, माशाल्लाह, दैट्स अ बिग जॉब। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम रियली फ्लैटर्ड। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑन द राइज इन पाकिस्तान वेरी स्टीपली, और वो बहुत स्टीप कर्व है जिससे यहाँ तादाद बढ़ी है हर किस्म की स्पेशल नीड्स। मेरा ताल्लुक सुनने से है, और क्योंकि मैंने स्पेशलाइज किया है ऑडियोलॉजी में, जो एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें बच्चे का सुनने से ताल्लुक होता है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, रफली स्पीकिंग, आपकी ऑडियंस के लिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो मैं बात सिर्फ इस वास्ते कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन में सुन सकता था। अगर मैं पैदाइशी तौर पर या पैदाइश के बाद बहरा होता तो मैं कोई ज़बान भी नहीं बोल सकता था। तो ज़बान बोलने के लिए सबसे बुनियादी शर्त है कि बच्चा सुन रहा हो। इसको हम वहाँ पर कहते थे फर्स्ट ऑर्डर इवेंट। सो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इवेंट। अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, कोई भी ज़बान हो। और ये टाइम होता है पहले 3 साल का। अब 3 साल के बच्चे को फ्रांस ले जाएं वो फर फ्रेंच बोलेगा, अब पेशावर ले जाएं वो पश्तो बोलेगा। बच्चा जो सुनेगा वो बोलेगा, ठीक। अगर वो सुनेगा नहीं तो वो कोई ज़बान भी नहीं बोलेगा। एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ डेफनेस, के जो फिर डाउनवर्ड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक। सो अनफॉर्चुनेटली अब डेफनेस का अगर आप मेरे से इलाज पूछें तो देखिए ये एक पॉलिसी फेलियर है हमारे यहाँ और हमारे जैसे कई और मुल्कों में। जी, असूल ये है दुनिया का, जिन मुल्कों ने भी, क्योंकि मैं बड़ा फोकस्ड बात करूँगा स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन में से भी जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, डेफनेस मुझे अच्छा नहीं लगता डेफ कहना, सो वी विल यूज़ द वर्ड हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक। ये भी उनकी रिस्पेक्ट के लिए है, बिकॉज हेयरिंग इम्पेयर्ड होना कोई ऐसी बात नहीं है। असूल ये है कि जो पढ़े लिखे मुल्क हैं, इंग्लैंड है, यूके है, ब्रिटेन, फ्रांस, जितनी भी डेवलप कंट्री में, बच्चे माँ को घर नहीं भेजा जाता है, डिस्चार्ज नहीं किया जाता है जब तक उसके बच्चे को टेस्ट ना किया जाए फॉर हियरिंग लॉस। सो आपको पैदाइश के वक्त पता होता है आपका बच्चा वो है डेफ के नहीं है, ठीक। अगर वो डेफ है या उसके चांसेस हैं डेफ होने के, वो हाई रिस्क ग्रुप में है, तो उसको उसी वक्त उसका ट्रैक ही डिफरेंट होता है और वो हमारे पास रेफ़र कर दिए जाते हैं। और फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जेनेटिस्ट
होते हैं जो कि जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पीच पैथोलॉजी तो बहुत की स्पेशलिटी है। ठीक। सो एक अलग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो उस बच्चे को चेज करती है, फॉलोअप करती है और फिर उसका एक रस। 1.1% बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं और वो उस स्क्रीनिंग को जो पैदाइश के वक्त होती है वो पास कर लेते हैं। सही। लेकिन 3 साल की उम्र के बाद जब वो जबान सीख चुकते हैं उनमें लेट ऑनसेट प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस आती है जो हम बहुत मैं बहुत देखता हूँ यहाँ पर मरीज। डॉक्टर साहब उसकी रीज़न क्या है? मैं एक्चुअली उसी पे आने वाली थी कि अक्सर बहुत सारी मदर्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ उन्होंने ये कहा क्योंकि मदर्स अपने बच्चे की एक एक मूव को मैं समझती हूँ कि मदर्स की ऑब्जर्वेशन गलत शायद ही हो सकती है, तो मदर्स ने कहा कि आफ्टर 2 ईयर्स बच्चे ने आई कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, पहले वो बोलता भी था उसके बाद एकदम से रिवर्स में। ये क्या रीज़न है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और उसके बाद एक डिफेक्ट आ रहा है? आपने एक बड़ा टची सा पॉइंट बोला है कि आई कॉन्टैक्ट, आई विल कम टू दिस लेटर ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए जो एक्सप्रेशन होता है किसी भी डिजीज़ का, मसलन शुगर जो होती है वो 40 साल के बाद ही नॉर्मली होती है, पैदाइश के वक्त भी होती है लेकिन वो डिफरेंट टाइप की शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है टाइप 1 उसके कहते हैं। सो हर डिजीज़ की एक्सप्रेशन का एक टाइम होता है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेफनेस जो है वो तो पैदाइश पर ही आती है। ठीक। और अगर आप उसको पैदाइश पर पकड़ लें तो ये उन चंद बीमारियों में से जिसका 100% इलाज है। यही पर सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, यही तो टेस्ट यूजली आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम तो मुड़ के जाते ही नहीं है ना डॉक्टर के पास, ये जो एक रूटीन चेकअप होता है जिसको आफ्टर पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो कितने ऐसे लोग हैं, कितने अवेयर ऐसे लोग हैं जो कि बच्चे को लेके जाएंगे जो कि 1.5 माह का बच्चा है और उसका प्रॉपर एक टेस्ट करवाएंगे? वेरी 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 आई एम डीपली सॉरी टू से कि ये पॉलिसी ही पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है और ये सर्विस ही नहीं ऑफर की जाती है किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेटली पैची थोड़ा थोड़ा सा, सो वो तो मीनिंगलेस है। बहुत माइनर सा कह देंगे, बहुत फोकस्ड करके पेरेंट्स को काउंसलिंग वाले अंदाज में नहीं बताया जाएगा। नहीं नहीं नथिंग। देखिए जब तक आप डिजीज को अर्ली डिटेक्ट नहीं करेंगे, आप किसी भी डिजीज को आप इससे अंदाजा करें कि मैं कुछ देर एक मुल्क में रहा हूँ, वहाँ टबैको डिस्प्ले करना कानूनन जुर्म है। कैन यू इमेजिन, आप खिड़की पेट्रोल पंप में जाएंगे तो दरवाज़ा खोलेंगे अलमारी का, उसमें से सिगरेट निकाल कर आपको देंगे। यू कैन नॉट डिस्प्ले टबैको यहाँ, तो जगह जगह पर लो। सो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हार्ट डिजीज़ ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? कौन के यहाँ तो इतनी अर्ली लोगों को हो रही है हार्ट डिजीज़ और ब्लड ये डायबिटीज़, बिकॉज देखिए अगेन ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं, ये पब्लिक हेल्थ के इशूज़ हैं। पब्लिक हेल्थ हमारे मुल्क में सबसे इग्नोर्ड फील्ड है ना, उसके बहुत कम हमारे पास उसके स्पेशलिस्ट हैं जो कि उसमें पढ़े लिखे, स्पेशली वेस्टर्न क्वालिफाइड जो हैं, एक दो हैं लेकिन वो बेचारे मतलब अब उस लेवल पर, यहाँ तो उनको गवर्नमेंट लाए क्योंकि ये पॉलिसी जब तक आप रोल आउट नहीं करेंगे। लोग आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डन अ वंडरफुल थिंग, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर वो फ्री हियरिंग एड्स और फ्री इम्प्लांट दे रहे हैं, टोटल पैसा ज़ाया कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे मुझे बुलाएं कोई सेक्रेटरी हेल्थ साहब अगर सुन रहे हैं या अगर चीफ मिनिस्टर साहबा सुन रही हैं, एनीबॉडी, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ये ऐसे डेफनेस नहीं डिफीट होगी, डेफनेस को डिफीट करने का सिर्फ एक तरीका, किसी प्लान के तहत एक प्लान दे दिया गया। आप कॉकलियर इम्प्लांट बाहर के मुल्क से आते हैं, यहाँ तो नहीं बनते ना, तो वो $10,000 का वो आता है, आप इम्प्लांट पर इम्प्लांट करवा रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं उनको तो यहाँ जो हमारे यहाँ एजुकेशन ऑडियोलॉजी में इम्पार्ट हो रही है अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वेरी सब ऑप्टिमल। उन जो लोग उनको टेस्ट कर रहे हैं ना उनको टेस्ट करना आता है, जो लोग उनको ऑपरेट कर रहे हैं ना उनको उनको ऑपरेट करना आता है, बट गवर्नमेंट पॉलिटिकली तो उनकी हेल्प कर रही है अपने से जो भी वो बेचारे कर सकते हैं, वो पैसा दे रहे हैं। गम्बट में सिंध गवर्नमेंट हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब, बट 90% ऑफ द मनी इज़ बीइंग वेस्टेड उन लोगों को इम्प्लांट हो रहे हैं जिनमें कभी वो बोल ही नहीं सके, 3 साल के बाद कोई बच्चा नहीं बोल सकता है। आप मुझे एक ट्रक सोने का दे दें, उसको इम्प्लांट छोड़कर आप उसके उसको कुछ भी कर दें, ही विल नॉट बी एबल टू टॉक। यहाँ 8 साल के बच्चे के इम्प्लांट हो रहे ना, यहाँ लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे कोई कंज्यूमर प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई नोबडी इज प्रोटेक्टेड, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है, कोई लाइसेंसिंग बॉडीज़ नहीं है। मैं जहाँ से हूँ मेरा लाइसेंस है वहाँ पर, मैं आपसे सच इस वास्ते नहीं बोलता था कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं इस वास्ते बोलता था क्योंकि अगर मेरी रिपोर्ट होगी तो आई लूज माई लाइसेंस टू प्रैक्टिस, एंड मुझे $2 मिलियन की मुझे इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी। आपने अगर वहाँ एक दफ़ा मेरी शिकायत कर दी ना मेरे रेगुलेटर को जो मेरे वहाँ पर गवर्निंग बॉडी है,
तो मैं तो 3 साल फिर मेरा लॉयर उनको भुगतता रहेगा. यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई ऑनगोइंग एजुकेशन है, ना कोई स्किल. तो इतनी पुअरली इम्पार्ट हो रही है यहाँ पर कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है मुझे तो खौफ आता है. मुझे लिटरली मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है. बट देन अगेन सिवाय अफसोस करने के और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. हम आवाज़ उठा सकते आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल. लोगों को, गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि जो वो जिस रस्ते पर उनको सोशल मीडिया की पावर को सही से ही अगर यूज़ किया जाए तो हम कितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं. देखिए, आप जब तक न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग नहीं शुरू करेंगे, ये आप हर बच्चे को भी अगर इम्प्लांट लगा, इतने इम्प्लांट तो है ही नहीं पहली बात दुनिया में, इतनी हेयरिंग एड्स हैं ही नहीं दुनिया में, इतना डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है. ये चीज़ शुरू होगी वहाँ से जब आप इसको रूट से पकड़ेंगे. ठीक डॉक्टर साहब, हमें बुलाएं. हमारे पास और भी लोग हैं जो कि ट्रेंड हैं वेस्ट, उन्होंने बाहर काम किया हुआ है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी. हमारी एक एनजीओ है ईयर फाउंडेशन, हमसे रब्ता करें, हम उनको गाइड करेंगे. हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए, ना कोई ओहदा चाहिए, ना कोई नमूद नुमाइश चाहिए. लेकिन ये क्योंकि वो 3 साल का पीरियड है, ये देख ले मेरी उसके बाद बच्चा no, there's nothing you can do. दुनिया से इलाज करवा लें जो मर्जी. He will signing करेगा, वो sign language करेगा और वो lip reading करेगा, body language को use करेगा, spoken verbal language 3 साल के बाद सीखनी इस तरह नीचे जाती है. वो parents जो कि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी अंडर 3 है, उनको फिर किस तरीके से गाइड किया जाए? इमीडिएटली आपको देखिए, हाँ जी, इमीडिएटली गेट यू. अगर आपको जरा से भी ये लगता है ना कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वर्बल स्टिमुलाई को, आपको बुलाते हैं नहीं देखता है, दरवाज़ा जोर से बंद हुआ है, उसने नहीं सुना है, आप बार बार, या उसके कोई बिहेवियरल इशूज हैं, जिद बहुत करते हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, वो तो खैर ऑटिज्म की तरफ वो चला जाएगा. ऑटिज्म की तरफ, व्हिच इज अगेन अ बिग मैसिव इशू इन पाकिस्तान. आई डोंट नो ये कहाँ से आया है और ये कितना बढ़ गया है ओवर द इयर्स. इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब, कहीं तो कुछ हो रहा है. जी मैं बताता हूँ आपको, लेड जो है ना पेंट, ये जो पेंट हम दीवारों पर करवाते हैं, ये यूरोप में और अमेरिका में आज से 25 साल पहले बैन कर दिया गया था. पाकिस्तान में अभी तक पेंट में लेड इस्तेमाल हो रहा है. आई स्ट्रांगली फील कि ये लेड जो है हमारी बच्चियों को पॉइजन कर रहे हैं और ये ऑटिज्म की जो इतनी वबा आई हुई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पेंट. वहाँ तो खैर पेट्रोल में भी बैन हो गया, वो पेट्रोल तो पाकिस्तान में भी लेड फ्री मिलते हैं, लेकिन स्टिल देर इज़ समथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज़ अफेक्टिंग द यू नो प्रेगनेंट. जो घर में हम स्प्रेस करवाते हैं मॉस्किटो किलिंग के लिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी एक पूरी रिसर्च मौजूद है कि ये भी कितना हार्मफुल हो सकता है. यू कैन नॉट इमेजिन. हाँ जी, ये जो पेस्टिसाइड यूज है, पेस्टिसाइड तो एक बहुत बहुत एंटी ह्यूमन चीज़ है. अब देखिए, ये सारी बातें वहीं पर आ जाती हैं कि ये दे आर देयर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ सर्टन पीपल. ये लोगों के फायदे की चीज़ नहीं है. अब तो जो आपकी इवन एग्रीकल्चर है वो कॉरपोरेट सेक्टर में चली गई है. आपका जितना हेयरिंग एड है, हेयरिंग एड इज़ बेसिकली एन इंडस्ट्री और उन लोगों का काम ये, दे जस्ट आर वरीड अबाउट देयर सेल्स. सो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट्स का काम होता है. अवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. वो पैसा जो वो, अगर मुझे वो 10 इम्प्लांट के पैसे दे देना और हम सिर्फ लाहौर शहर में एक यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर लें, इन लेस देन 3 ईयर्स इंसिडेंस और प्रेविलेंस हेयरिंग लॉस का हम ऑलमोस्ट लेस देन 10% पे ला सकते हैं इतने ही रिसोर्सेज में. और लोगों को यहाँ पर हम ट्रेन करें. मेरे पास जो है, मैं तो अगर आज मर जाऊँ तो इट विल जस्ट गो इन द ग्रेव. तो ना मैं किसी को हम अपना वो सिखा सकते हैं जो इल्म हमारे पास है और हमने बड़ी तकलीफ़ से वो ली है, बहुत पैसे खर्च करके वो ली है, बड़े सालों की मेहनत से ली है. ना हम स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं, ना हम एजुकेट कर रहे हैं, ना हम लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं. अच्छा डॉक्टर, मुझे ये भी जानना है कि हमारे यहाँ बच्चों के, ऐसे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनकी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, उनकी जॉब्स के लिए ऐसे लोग कौन सी बेस्ट जॉब्स कर सकते हैं? आई नो इसका जवाब बहुत डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, बट स्टिल मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ छेड़ना चाहूँगी कि कहाँ है फ्यूचर, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और इन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल नीड्स रखते हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द बेस्ट? इट्स वेरी सिंपल जी. देखिए, हमारे पास ना तो कोई फेडरल लेवल पे, ना कोई प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी ही नहीं है. अब इंग्लैंड की अगर आप मिसाल ले लें तो इंग्लैंड में एक टीचर ऑफ द डेफ बाकायदा एक 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है उनका. पाकिस्तान में देर इज़ नो टीचर ऑफ द डेफ. एक पूरा डिपार्टमेंट है स्पेशल नीड्स का, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे डू. सो ये स्पेशल नीड्स का जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारा तो कम्युनिकेशन से ताल्लुक है, वर्बल कम्युनिकेशन, वो तो बड़ी स्पेसिफिक उसके तरीके होते. हमें तो यहाँ ये भी नहीं पता क्लासरूम के एक्यूस्टिक्स क्या है. जो एक क्लासरूम होता है वो बहुत, वहाँ बच्चा
अगर उसको माइनर सा भी हियरिंग लॉस है तो उसको जो टीचर वहाँ खड़ी होती है उसको कुछ सुनाई नहीं देता वो क्या कह रही है। हम उसको मार मार के उसको ट्यूशनों पर ट्यूशन रखवाते हैं, बच्चों को हम चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं उसे कि पढ़ता नहीं नालायक है, होता उसे हियरिंग लॉस है। दूसरा अपने टीचर्स को ये ना उन लोगों को एजुकेट ही नहीं किया हुआ कि हाउ टू पिक अप दोस चिल्ड्रन के जिनमें स्पेशल नीड्स हैं। हर बच्चा आपको पैदाइश पर डेफ नहीं मिलेगा, देर विल बी अ सर्टन क्वान्टिटी जो आपको 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में, और वो बच्चा बहुत आसान होता है बाय द वे, जो लेट ऑनसेट प्रोग्रेसिव लॉस वाला होता है उसको रिहैबिलिटेट करना तो बहुत आसान होता है। अच्छा, एंड लेट मी नॉट फॉरगेट स्पीच पैथोलॉजी का मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल स्पेशलिटीज। ठीक, अगेन वेरी पुअरली टॉट एंड वेरी पुअरली मेंटर्ड। मेंटरिंग का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना लाइसेंसिंग का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है ना कोई गेट कीपर्स का कॉन्सेप्ट है। यही हमारी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, ऑल गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो अनलेस यू फोकस एजुकेशन को इम्प्रूव करें, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें, आपके पास किसी यूनिवर्सिटी में कोई फॉरेन फैकल्टी नहीं है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आई रादर नॉट से दैट, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ जो मुझे कहना चाहिए, बट बहरहाल कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही तकलीफ देह हैं। और वो अल्टीमेटली देखिए जो आपके पास पूल इकट्ठा हो रहा है एजुकेटेड लोगों का, दे आर सब ऑप्टिमल, सब एट पार नहीं है वो, और वो जब तक आप उन लोगों को मौका नहीं देंगे कि जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर देखिए मेरे लिए तो बहुत आसान है, यू नो कि मैं तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम उन करोड़ों बच्चों के लिए आपके, क्योंकि ये देखिए ये जमा होते जाए, 2050 में पाकिस्तान की आबादी इज गोइंग टू डबल, कैन यू इमेजिन। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ, अगर मैं 1% भी लूँ कि बच्चे डेफ पैदा हो रहे हैं लाहौर में, एक दिन हमने एस्टिमेट किया था वी हैव समथिंग लाइक 8-10 हज़ार बच्चा हर महीने पैदा हो रहा है, कैन यू इमेजिन 8-10 हज़ार बच्चा हर महीने लाहौर में पैदा हो रहा है। लाहौर में जी, सिर्फ लाहौर में जी जी, लाहौर 1.5 से 2 करोड़ की आबादी के दरमियान में कहीं शहर है, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट तो छोड़ दें आप, गवर्नमेंट जो 5 आपके 6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप सिर्फ उन हॉस्पिटल को देख लें, गंगाराम, लेडी विलिंगटन, लेडी एचिसन, मेयो, इसमें आपके कम से कम 8 से 10 हज़ार बच्चा सिर्फ लाहौर में हर महीने पैदा हो रहा है, कैन यू इमेजिन। उसमें किसी अस्पताल, और जो है वो इतनी पुअरली ट्रेंड है वहाँ जो ये लोग कर रहे हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या करें आप, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो कॉन्टैक्ट द पीपल हु नो वॉट टू डू एंड दे आर देयर, वो लोग मौजूद हैं, और वो लोग बिल्कुल यहाँ पे सेटअप है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो लोग पॉलिटिकली बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं। और सबसे इसके देखिए ना, पॉलिटिकल साइड है, हमने तो स्टेट के जहाँ पे गलती है हमने तो उसको हाईलाइट एक मतलब किया इन डिटेल, थोड़ा सा जोड़ने की भी कोशिश की है हमने, आई होप कि आवाज़ पहुँच सके। दूसरा, पेरेंट्स को भी एजुकेट करने के लिए उनकी भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग माय समथिंग ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस, क्योंकि ये रेपिटेटिव जब तक ना हो पेरेंट्स तक नहीं पहुंचता है, पैगाम भी पहुंचाना रेपिटेटिव होता है, जब तक आप रेपिटेटिवली नहीं बताएंगे लोग भूल जाते हैं, पब्लिक को यहाँ पर रोटी का मसला है, पानी का मसला है, और बहुत मसले हैं, एंड दे हैव वेरी लार्ज फैमिलीज़, वो भी उसके भी अपने एक रीजन्स हैं। सो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आपको उनको कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड करना पड़ेगा, आपको आपके जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, आपकी जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं, TBAs, दाइयाँ, उस लेवल पे, मतलब यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट। ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एक मैसेज जो कि मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे मतलब तरीके से बता सकते हैं, अगेन पेरेंट्स के लिए भी बात है, मैं मेरी बच्चे हैं छोटे हैं, बड़ी बेटी माशाल्लाह शी स्कूल गोइंग, अगर वो बात करती हूँ, जब वो किसी भी स्पेशल किड को देखती है तो मैं उसको, यकीन करें, मैं टाइम लेती हूँ और मैं उसको थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करती हूँ, यू नो, क्योंकि बच्चे हैं वो नासमझ होते हैं, वो मजाक भी बनाते हैं। कितनी ज़रूरत है हमारे यहाँ कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि जब भी वो कोई स्पेशल चाइल्ड देखें वो, नहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन शायद कोई स्कूल तो दे देगा, लेकिन रहेगा तभी जब पेरेंट्स की तरफ से दिया गया होगा। आई थिंक देखिए ये तो फिर ये तो एक सोसाइटी वाइड इशू है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये हम लोग पॉलिसी लेवल पर, ये गवर्नमेंट एक हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव ले फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और उसमें ट्रेंड पढ़े लिखे लोग लाए, मैं फिर दो ही लफ्ज़ यूज़ करूँगा, ट्रेंड और पढ़े लिखे,
जो वेस्ट का जिनसे ताल्लुक हो, जिन्होंने वहाँ की मार खाई हो, अगर तो वो इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और वो मौजूद हैं यहाँ पर लोग और उनको भी पता है, लेकिन ठीक है अब उनके अपने हैं प्रायोरिटीज़, आई कांट टॉक फॉर देम। तो ये चीज़ विद इन लेस देन 3 ईयर्स ये चीज़ बिल्कुल चेंज रिवर्स की जा सकती है, मगर वो पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी तो ये कॉकलियर इम्प्लांट फ्री देने से, और ये टेंडर जो चल रहे हैं, मेरी तो लफ्ज़ पर हैरत होती है, ये तो टेंडर हो रहा है अब। अब टेंडर जहाँ पर होगा इस चीज़ का, वहाँ तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएंगे ना, वहाँ तो सेल्स फिगर्स इंपॉर्टेंट आ जाएंगी, अब बच्चे की रिहैबिलिटेशन तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्पेशल चिल्ड्रन की जो नीड्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये मिसयूज़ ना हो सके आगे चलकर? एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। अगेन ये उसी तरफ जा रहा है, जब तक आपके पास लेजिस्लेशन नहीं होगी, लेजिस्लेशन पॉलिटिशियंस ने करनी है, जब तक आपके पास लेजिस्लेशन नहीं होगी ना माएँ प्रोटेक्ट होंगी, ना बच्चे प्रोटेक्ट होंगे, ना उनके स्कूल बनेंगे, ना उनकी नीड्स को देखा जाएगा, दे विल रिमेन लाइक दिस। उनके साथ बुलिंग भी होगी, उनके साथ, यू लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो बच्चे होते हैं ना स्पेशल नीड्स के, इसको वेस्ट में कहा जाता है वल्नरेबल चिल्ड्रन, बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो बात भी नहीं कर सकते हैं। आपके जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो भी वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। डू यू नो कि अगर आपको इंग्लैंड में और कैनेडा में बच्चों के साथ काम करना हो, आपको एनहांस्ड पुलिस क्लियरेंस लेनी होती है उसको, मैं अब क्या कहूँ, वो जब तक आपके पास ना, यू कैन नॉट वर्क। हमारे कितने स्कूल हैं जहाँ पे हम टीचर्स की पुलिस क्लियरेंस, कौन सी यहाँ पे हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम यहाँ पे, यहाँ वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज अ वेरी वेग थिंग, यू हैव टू गो एंड डेवलप। ये मैं पुलिस के जो IG या जो भी कोई हेड्स, बल्कि चीफ मिनिस्टर को मैं ये कह रहा हूँ, एक सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर होता है वहाँ पर, चाइल्ड ऑफेंडर्स रजिस्टर होता है, जिसमें जब आप क्राइम करते हैं आपका नाम, फिंगरप्रिंट, चेहरे की फोटो, सब कुछ आ जाता है। yes. जब तक वो आपके साथ ना, आप स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। हम तो अभी तक ऐसा सिस्टम लाने में नाकाम है ना, अभी तक तो ऐसा कुछ, आपको हैरत होगी। आप मेरे साथ आइए, खुलेआम यहाँ पर आप मेरे साथ मेयो अस्पताल चलिए, 99% जो आपका फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है वो हेपेटाइटिस बी के साथ भी इम्यूनाइज नहीं है, किसी को पता नहीं है कि उसकी इम्यूनाइजेशन बी का क्या है, उनका एंटीबॉडी टाइटर क्या है, बड़े बड़े प्रोफेसर इसमें शामिल हैं, नोबडी इज इम्यूनाइज। अब ये उनका कसूर नहीं है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास। कोई भी मुआशरा सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा होता है। अगर नॉर्वे क्यों इतना खुशहाल मुल्क है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ह्यूमन फ्रेंडली हैं, वो जो टैक्स लेते हैं वो सही जगहों पर सही नीड्स पर खर्च होते हैं, और उनके पीछे यूनिवर्सिटीज होती हैं जो रिसर्च करती हैं, गाइड करती हैं, एंड देन द पॉलिटिशियंस इम्प्लीमेंट दैट। दिस ये मुआशरा तो ऐसे ही तरक्की करता है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे आपकी फूड सिक्योरिटी हो। जब तक आपके पास पब्लिक हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी, और पब्लिक हेल्थ को भी राइट हेल्थ पॉलिसी, यू विल नेवर बी। ये ऐसे ही चलता रहेगा, आप 1 करोड़ इम्प्लांट ले हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ वैसे की वैसी रहेगी। डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टाइम कम था, बना ये हमारी जो आज की गुफ्तगू थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इसको बहुत और डिटेल में जाके इसकी और तहें थोड़ी सी हम खोलते और डिटेल में इसको डिस्कस करते, बट थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।